शादी के बाद पहली बार एक साथ इससे पहले पहली बार है। बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? थैंक यू भाई देव यार, आप सब लोग मुबारक हो। शादी तूने कर दिया ना? शादी मेरी, आपको थोड़ी मुबारक हो यार, ओलंपिक जीत गया है, गोल्ड मेडल। राहुल भाई देव, राहुल भाई सेंटर यहाँ पर, अभी सेंटर। राहुल भाई, राहुल भाई यहाँ पर देखना, राहुल भाई इधर, अरे मेरे देखो ना, राहुल भाई इधर, राहुल भाई इधर इधर इधर, लेफ्ट सेंटर एंड देन राइट भाई, एक बार लास्ट टाइम, राहुल भाई इधर, रॉन्ग टर्न। थैंक यू यार, चलो जब क्या है, बीच बीच में ठीक है रवि भाई, ए सी रहना, हाँ चालू है सबसे पावर ही मेरा लाइट में, ये देख इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ टॉप 5 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ विनाइल फ्लोरिंग, synthetic leather and synthetic ropes. Responsive has a market cap of 3,500 crores in an index stock. We are a zero debt car. SPC interlocking flows and LVT flows are used in B2C segments such as homes, offices and gymnasiums. They have also application in segments such as hotels, bar, lounges and other similar applications. Responsive flows have been success first ever advertisement with you guys and the media fraternity, and we really hope we show you guys show as much love jitna hi pyar aapne Disha aur Rahul ko as a Indian duo couple dikhaya hai. Also we have Satnam Ramani as an Indian director. Shall we show the ad, please? Yeah. Thank you. Phone bhi aa gaya kisi ka. Alright, so Rahul and Disha, congratulations. Thank you. To responsive ke saath mein judne ke liye. Ji. Kaisa raha? Humne dekha bahut hi beautiful video hai and congratulations ki aapko bahut hi acche se sab kuch bana. Thank you. Kaisa raha experience with responsive ke saath and Disha? हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, अभी वही सतराम कह रहे थे कि इतना निचोड़ा इन्होंने कि एक दिन में 3 ऐड बना दिए, बट नो ऑन अ सीरियस नोट, रिस्पॉन्सिव फ्लोरिंग जो इसका एक टैगलाइन है, एक अनोखा एहसास, वो जेन्युइनली एक अनोखा एहसास है, क्योंकि जब आप उसे छूते हैं, जब आप उसे महसूस करते हैं, आपको समझ में आएगा कि क्यों हमने इसका जो टैगलाइन है वो एक अनोखा एहसास रखा हुआ है। ये SPC विनाइल फ्लोरिंग जो होता है ये उसका ब्रांड है। अगर आपको कम पैसों में बेस्ट चीज़ चाहिए, मैं इसके बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको शॉर्ट में कहूँ तो इतना ही कहूँगा कि अगर आपको कम पैसों में बेस्ट चीज़ चाहिए तो आई डोंट थिंक रिस्पॉन्सिव फ्लोर्स के अलावा आपको कहीं और ये चीज़ मिलेगी। क्यों अतीत, मैं सही कह रहा हूँ? Which are for every person for everyday use. बिल्कुल, तो बहुत अच्छा हमारा एक्चुअली एक्सपीरियंस रहा, एंड शादी से पहले ही हमारी ड्रेस रिहर्सल हो गई थी इस एड में। एक्चुअली बहुत बार हो गई है हमारी ड्रेस रिहर्सल बहुत बार हो गई है, सो ये एक और एड हो गया था प्रिपेयरिंग अस जस्ट बिफोर गेटिंग मैरिड। क्या आपने देखा ही है, सो
I am glad and I'm sure Rahul will agree that we were a part of this ad. And it looks lovely. Yes, we were very happy and Aati, thank you for getting vada pav in the morning at the shoot. Because jab aap I didn't eat. Haan, tumko nahi diya? Oh my god, Aati, ye galat hai yaar. बट अदित ने ब्रेकफास्ट में हमारे लिए वड़ा पाव लाया था तो उसकी वजह से हम बहुत अच्छा शूट कर पाए दिन भर एंड बहुत एनर्जी हमें बनी रही. सो बट जेन्युइनली गाइज आप पता है मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज हम इसको एंडोर्स कर रहे हैं दिशा और मैं, बट मैं जेन्युइनली आपसे कहना चाहता हूँ मैंने इसको मेरे घर पर लगाया हुआ है. अगर आप इसे चाहें तो प्लीज़ कभी ट्राई कीजिएगा. जैसे मेरे घर के एंट्रेंस पे ना ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये हर जगह चिपक जाता है. सबसे पहली बात इसको हम कहते हैं फ्लोरिंग, बट ये साइड में ऊपर ऊपर नीचे हर जगह चिपक जाता है. एंड आई थिंक इट्स जस्ट वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स दैट वी हैव एंड इंडिया का अपना टॉप ग्लोबल लीडिंग ब्रांड अगर इसे हम कह सकते हैं. क्योंकि हमें बहुत मेक इन इंडिया आजकल हम वी ऑलवेज टॉक अबाउट इट, बट अगर ट्रू सेंस में मेक इन इंडिया अगर हम अपनाना चाहते हैं तो आई थिंक रिस्पॉन्सिव फ्लोरिंग इज द एग्जांपल. सो ईशा जी आप मानती हैं कि राहुल एक ऐसे फ्लोर पर पहुंच चुके हैं जहां पर शादी के बाद बहुत ही रिस्पॉन्सिव हो गए हैं? भाई क्या सवाल पूछा है आपने, वाह वाह वाह, ये आप माइक में पूछा है, आई होप सबको सुनाई दिया इन्होंने क्या पूछा. नहीं भाई प्लीज एक माइक इनके लिए खास. नहीं बट मैं चाहता हूँ वो लोग भी सुन, वरना वो आधी बात सुनेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि हम इतना क्यों हंसे या हमने इतना क्यों रिएक्ट किया. प्लीज प्लीज मैं चाहता हूँ. तो निशा जी आप मानती हैं कि राहुल एक ऐसे फ्लोर पर पहुंच चुके हैं जहां पर कि शादी के बाद बहुत ही रिस्पॉन्सिव हो गए? क्या बात है जी, हाँ लिखते हो ना फ्लोर पर पहुंच गए हैं जहां वो बहुत रिस्पॉन्सिव हो गए हैं. माय गॉड दिशा, आई थिंक यू शुड सीरियसली टेल एवरीबॉडी कि हाउ आर द चेंजेस इन मी आफ्टर द वेडिंग. दिशा ने मेरे में क्या क्या अच्छे अच्छे बदलाव लाए हैं, तो क्या आप बताना चाहेंगी सबको कि आई थिंक सबसे बड़ा बदलाव ये है कि हम ये जल्दी सोते हैं थोड़ा. मेरे साथ जल्दी सोते हैं, अदरवाइज ये 5-5 बजे तक जाते थे, अब हम लोग 1-1.5 मैक्स 2 तक सो जाते हैं. हम ऐसा माने कि आप दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे लगने लगे हैं. क्या बात है भाई, आप कहाँ से आए हैं, आपके सवाल आप कहाँ से पिरो के लाए हैं, आप बहुत ही अच्छे सवाल लाए हैं एंड हम एक दूसरे को हाँ बिल्कुल आपके सवाल भी बड़े अच्छे हैं और हम एक दूसरे को बड़े अच्छे लगते हैं. सतनाम जी क्योंकि जी, आपकी भी फिल्म आई है, अगर आप हमें बता सकें कि क्या कुछ अनोखा एहसास होने वाला है, जैसा कि मैडम ने जिक्र किया कि तो ये एहसास वाला टैगलाइन जैसे पता चला कैसे आया, हम अतीक भाई से मिले, हमने फ्लोर देखा, हमने छुआ सैंपल को और हमें लगा ये तो एहसास है और इमीडिएटली हमने बात की कि सर ये एहसास है, ये फ्लोर नहीं है, ये फीलिंग है. तो सेम चीज़ बोले आपको जैसा ठीक लगे, ये हमारे लिए फ्लोर है प्रोडक्ट, मतलब नहीं सर बाकियों के लिए एहसास है. तो बेसिकली आइडिया ये रहा पूरे ऐड के पीछे कि फ्लोर ऐसी चीज़ है, ज़मीन ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं ज़िंदगी भर. तो हमारा आइडिया ये था ऐड का क्रिएटिवली कि वो बचपन से लेकर तो एक सर्कल जो हमारा लाइफ का चलता है उसके साथ जुड़े हुए हम, ज़मीन हमारा एक यू नो विटनेस है, वो रहता है हमारे साथ, बट वो इतना अंडरप्ले किया जाता है, हम देखते ही नहीं है उस तरह. तो हमारा पूरा मोटिव ये था कि उसको हम हाईलाइट करें. और जैसे ही हमने राहुल और दिशा को ये कॉन्सेप्ट बताया, उन लोग को भी काफ़ी अच्छा लगा, तो वी लाइक दिस इज़ गुड, एवरीवन इज़ हैप्पी अबाउट इट, लेट्स शूट. तो ये एहसास एक्चुअली में अनोखा रहा, फ्रॉम द शूट टू द क्रिएटिव कॉन्सेप्ट टू एवरीथिंग. मैं सतराम के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ, कुछ डायरेक्टर्स होते हैं ना जो बिल्कुल खुश नहीं होते हैं. कितने भी टेक आप उनको दे दो, नहीं कहते एक और एक अच्छा आ सकता. तो सतराम उन डायरेक्टर्स में से एक हैं, इनको आप कितने भी अच्छे टेक दो इनको बोलना पड़ता है भाई अब ये बेस्ट इससे बेस्ट नहीं आ पाएगा, तो आई थिंक तभी वो करते हैं. बट आई थिंक दैट इज द रीजन ही डिलीवर्स फिल्म्स लाइक दिस. अच्छा डायरेक्टर मांग ले लेकिन एक्टर देने के लिए तैयार होना चाहिए. हाँ. ये बात तो आपको भी कहीं ना कहीं पता है. तो इन्होंने कभी ये नहीं बोला, उन्होंने बोला अच्छा चाहिए ठीक है ले लो, एक नहीं दो ले लो. तो इनका बड़प्पन है जो इन दोनों ने हमारा साथ दिया और सहन किया एक्चुअली. थैंक यू सो मच फॉर दैट. ऑफकोर्स वो तो है ही, आप मैंने आपको वन टेक आर्टिस्ट बना दिया, देख रही आप. एक्टर के साथ में हमेशा ऐसा होता है, आप पॉजिटिव नोट में लीजिए क्योंकि जब एक एक्टर की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है एंड ब्यूटीफुल वाइफ के साथ में शादी होती है, तो कभी कभी हम देखते हैं कुछ एक ऐसे एक्टर होते हैं वो अपना फ्लोर जमीन से मतलब अपने आप को भूल जाते हैं.
आपको अपने आप को फ्लोर पर बनाए रखने के लिए कितना मतलब मेंटेन रखते हैं अपने आप को, दिशा जी की कितनी हेल्प करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। बट सबसे पहली बात तो मैं अभी भी सिंगर हूँ, लोग मुझे एक्टर एक्टर कहते हैं, आई वुड लव टू डू समथिंग बट आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ सिंगर एंड मेरे म्यूजिक एल्बम्स आते हैं जिसमें मैं एक्ट करता हूँ, बट आई हैव नेवर एक्टेड इन अ फिल्म और टीवी शो। बट आपके सवाल का जवाब देते हुए यही कहना चाहूँगा कि जो इंसान एक लोअर मिडिल क्लास से ऊपर आया होता है ना, उसको कभी भी मुझे नहीं लगता है वो आसमान में चला जाता है, उसके पैर हमेशा जुड़े होते हैं, क्योंकि वो जो साइड को छोड़ के आया होता है ना, उस भले ही वो आज दूसरे साइड होता हो, बट जब वो गाड़ी में बैठ के बाहर देख रहा होता है तो उसको बाहर की रियलिटी पता होती है। जैसे बाहर पे मैं राह चलते लोग देखता हूँ, तो मैंने अब कि मैंने खुद वो बहुत किया है कि सुबह जब हम कहीं रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे तो सुबह सुबह जल्दी निकल जाते थे, हम एक बहुत वन रूम किचन में रहते थे, तो अगर मुझे 7 बजे कहीं पहुँचना होता तो हम दूर रहते थे, तो वहाँ से जब हम निकल के जाया करते थे तो मैं सबको नहीं उठाता था कि यार सब उठेंगे, नाश्ता मम्मी बनाएगी मेरे लिए तो सबको उठना पड़ेगा, तो हम भूखे पेट ही चले जाते थे बहुत बार। तो हम सब ने वो लाइफ में अपने अपने दिन देखे हुए हैं, तो जिस इंसान ने ऐसे दिन देखे होते हैं आई डोंट थिंक कभी वो यू नो अपने पैर जो है वो ज़मीन से उसके उठ जाते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली वे हाउ आई नो टू लिव इन बी इन लाइफ एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू नो आई गॉट अ लाइफ पार्टनर हु इक्वली बिलीव्स इन डूइंग दैट, शी इक्वली बिलीव्स इन वेरी ग्राउंडेड एंड जस्ट बीइंग वेरी वेरी नाइस टू एवरीबडी, वेरी हम्बल टू एवरीबडी, तो हमें बहुत खुशी है यू नो कि हम ऐसा रह सकते हैं लोगों के साथ। आप बड़े अच्छे में बड़े अच्छे लगते हैं, मैं आने वाली, मुझे ही नहीं बोला आपने, ये कब हुआ? ऐसा सब बहुत बाहर आ तो रहा है, लेकिन फ्रेंकली अभी सच में मेरे पास नहीं है कुछ बताने को, जब कुछ चीजें फाइनल होंगी, कुछ बाहर आएगा तो यू विल फाइंड आउट। यस अतीत जी, मेरी तरफ से आपसे सवाल ये है कि इतनी ब्यूटीफुल आपने जोड़ी चूज की, कोई खास वजह? राहुल who represent what truly the new India is, जो अपने अगले दशक में जाना है, जिस तरफ इंडिया को देखना है, this is what they represent. And this is the reason we chose Rahul and Disha for us. How sweet, thank you. ये कंप्लेन थोड़ी था। अच्छा। दिशा जी के लिए। मैंने इडली खाई थी यार। हाँ। दिशा थोड़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं। बट थैंक यू एवरीबडी फॉर कमिंग एंड जनरली यही कहना चाहते हैं कि इसलिए नहीं बिकॉज हम इसको एंडोर्स कर रहे हैं, कभी आप अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, भले एक स्क्वायर फुट होता है वो कैसे लगता है पर स्क्वायर फुट, तो आप इसको एक लगा के ट्राई कीजिएगा, इसलिए नहीं बिकॉज हम इसको एंडोर्स कर रहे हैं, बट जेन्यूनली इट्स अ वर्थ हैविंग प्रोडक्ट एंड वी बोथ हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू जॉइन हैंड्स विद रिस्पॉन्सिव फ्लोर्स एंड दे वन ऑफ द बेस्ट कंपनी द बेस्ट पीपल दैट वी हैव। थैंक यू सतराम फॉर डायरेक्टिंग अस, थैंक यू फॉर द होल टीम, अजय एंड आपके जो पंकज आपके साथ हैं, थैंक यू, एंड वी हैव द अग्रवाल फैमिली ओवर देयर, सो थैंक यू एंड थैंक यू मीडिया, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक यू जी। हाँ हाँ जी, मैं उसको देख नहीं पाया अभी तक, बट बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर बहुत अलग होने वाला है कुछ बिग बॉस ओटीटी, एंड आई वुड लाइक टू विश कलर्स फैमिली ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई थिंक
कुछ अच्छा ही करते हैं वो हमेशा, बट ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 24/7 लाइव जा रहा है OTT पे। नो नो, आप लोगों के सीजन में भी 24/7 लाइव चलता था, बट दिस इज द लाइक अ होल न्यू एपिसोड सीन। ओ, पर एक्चुअली हमारे वक्त जब 24 आवर्स बट रियली हमारे वक्त सलमान सर जब जाते थे, मतलब जब वो शुरू हुआ था तब आना शुरू हुआ था, इस बार सलमान सर के पहले जो शुरू हुआ है आई थिंक वहीं पे शुरू हो गया, बट अच्छा लग रहा है। एंड मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो अंदर गए हुए हैं, सो ऑल द बेस्ट। अंदर जाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अंदर के आई क्या होगा वो, भगवान बचाए उन लोगों को। सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप जब बाहर आए तब यू नो दे आर सेन एंड दे कम आउट आउटसाइड। थैंक यू। अभी सेंटर देखो। राहुल साहब भी सर उनका ये हटा दो, अभी टाइल्स हटा दो। अरे क्या पागल है भाई, सोलो कपल फोटो। नहीं नहीं कपल 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 सेंटर आई जाकर आएगा ना, अब लेफ्ट से चालू कीजिए। उन्होंने क्या किया है, जाकर आया भाई, एक्चुअली वहां भी नहीं गया होगा। इस तरफ राहुल, अभी सेंटर सर, अभी सेंटर सेंटर यहां पर सेंटर राम सर। अरे हां जी, सामने 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 सेंटर 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 सर इधर। राहुल सर ये क्या 47 चला रहा था, राहुल सर यहां पर सेंटर सेंटर। अरे मेरा देखा ही नहीं राहुल भाई, मेरे को देखा नहीं राहुल सर। इधर तू क्या गांव से, राहुल भाई तू क्या गांव से आया सर? सेंटर नीलोफर जी साथ मेरे का सोलो अरे दिशा मैम उसका मैम सेंटर उसका साबुन स्लो है। दिशा मैम देखो सेंटर 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 पाजी के पास भाई सेंटर, अभी पाजी के बाजू में बैठा राहुल भाई, आप दोनों साथ में बड़े अच्छे लगते। मस्त सीरियल था ना दिशा मैम, दिशा दिशा उनका साबुन स्लो है, वो नहा के नहीं आता ना इसके।